मेरा नाम तैमूर है और मेरे साथ है साथ और हम आए टीगो 8 प्रो देखने। मॉडल में ना यहाँ पे लाइट्स हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है। इस जगह से एक ये साइड पे कॉर्निंग लाइट है, ये मेन आपका प्रोजेक्टर है, इसी में हाई बीम और लो बीम है, और ये दो DRs हैं ये और ये। इस एंड से ना जो अभी नई वाली वो आई है विजल, यहाँ से थोड़ी सी वो शेप लग रही है। साथ ये कह रहा है कि ये जो ग्रिल है वो ग्लोरी 580 से इंस्पायर्ड है। ऐसा नहीं, असल में वो भी जो है ना वो भी मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है। फिर मर्सिडीज में जो है ना ये इंडिविजुअल 3D इस तरह इफेक्ट दिया हुआ होता था। और फिर जो न्यू वाली पॉश कहना है ये वो लगती है। इसमें से बस आप यहाँ से चेरी के ये लेटर्स हटा दें और यहाँ पे पॉश का लोगो लगा दें, दूर से ऐसा लगेगा पॉश शार्प। ये ब्रेक लाइट है यार, बड़ी प्यारी लग रही है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। और साथ इसमें एग्जॉस्ट की जगह एग्जॉस्ट है, ये फेक नहीं, चीट नहीं किया, चीट नहीं किया, शायद वाला नहीं किया था। इसका बहुत खूबसूरत फीचर इसके अंदर आइसोलेशन बड़ी अच्छी की है, साउंड आइसोलेशन, इंजन 1.6 लीटर टर्बो चार्ज। हाँ, MG में नहीं, MG में भी नहीं है। 1.6 लीटर टर्बो चार फोर सिलेंडर, तकरीबन 195 हॉर्स पावर और 290 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, फ्रंट व्हील ड्राइव, 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन। बाकी साउंड आइसोलेशन इसकी बैक की और फ्रंट की इन्होंने बहुत अच्छी की, साउंड आइसोलेशन बहुत है। जब तो इन्होंने कवर लगाया हुआ है, कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही है जैसे खाली पड़ी हुई। अच्छा, एक और चीज़ जो नोटेबल है वो ये कि आपके जो बोनट है जिसको होल्ड कहते हैं उसमें ये स्ट्रट्स लगे हुए हैं, यानी आपको मैनुअली उठा के और वो डंडा लगाने की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रट्स हैं। एक दफ़ा आपने बोनट अंदर से खोला और हाँ। अच्छा, सबसे पहले डिजाइनिंग के बारे में बताओ। डिजाइनिंग अच्छी है एज कम्पेयर टू शान में, ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, खूबसूरत है। सबसे खूबसूरत ये जो इसका गियर बॉक्स है। हाँ, ये गियर बॉक्स मतलब गियर है, गियर कंट्रोल, और ये आपके जो क्लाइमेट कंट्रोल, ये स्क्रीन दे दी है, बड़ी अच्छी लग रही है। इसमें ये कि ड्राइवर साइड भी और पैसेंजर साइड भी दोनों फॉरवर्ड एडजस्टेबल सीट, और बाकी इसमें एयरबैग्स 6 हैं, उसमें 4 थे, उसमें सिर्फ फ्रंट पैसेंजर को फुल सेफ्टी थी। इन्होंने सोने का ये भी दिया है। अच्छा, ये चीज़ एक मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि चाइनीज गाड़ियाँ जैसा भी सोनी का दिया हुआ है उन्होंने, तो फ्रंट के सिर्फ 2 ट्विटर सोनी के हैं, बाकी सारे कोई लोकल चाइनीज है, देखो और किसी पे लिखा हुआ भी नहीं है। चारों देख रहे हैं, जैसे इनको इस पे टीगो लिखा हुआ है, टीगो लिखा हुआ है, बेसिकली ये 2 दिए। बाकी मैंने इसका साउंड सिस्टम चेक किया, साउंड सिस्टम अच्छा है, काफ़ी अच्छा था। और उसमें ये एम्बियंट लाइटिंग भी है, तो नहीं दिखेंगी लेकिन म्यूजिकल इंटीग्रेटेड है आपके। हाँ, म्यूजिक के हिसाब से ये कम चेंज भी होगी। अच्छा, इसमें हीटेड सीट्स नहीं है, ओशान में हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स दोनों थे। पाकिस्तान के इसके मुताबिक जो है वो वेंटिलेटेड सीट बहुत जरूरी है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी वाकई अच्छी है।